हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है ठंडियों का मौसम। ठंडियों के मौसम में बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, जैसे एक साल की भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाकर स्टोर करके रखते हैं। आज मैं उसी से रिलेटेड एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने वाले हैं जिंजर पाउडर। ये बनाना बहुत ही आसान है और अगर हम घर में बनाते हैं, मार्केट में तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन घर में बनाते हैं तो पैसे भी बचते हैं, प्लस ये प्योर भी होता है, एकदम शुद्ध होता है। हम हमारी आँखों से देखते हैं, कोई भी चीजें चूज करके लाते हैं और हम हमारे हाथों से बनाते हैं, साफ सुथरी जगह पर रखते हैं, साफ सुथरी चीजों को हम यूज में लेते हैं, तो इसीलिए ये एकदम फ्रेश होता है। तो चलिए हम जिंजर पाउडर किस तरीके से बनाया जाता है ये पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक ले लिया है, ये आधा केजी अदरक है और जिंजर पाउडर जिसे सौंफ का पाउडर भी बोला जाता है, और ये ठंड के समय में बहुत सारी रेसिपी में डलता है, जैसे हलवे वगैरह में डलता है, लड्डू सौंफ के बनते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी मीठी चटनी होती है उसमें भी सौंफ डलता है, अचारों में सौंफ डलता है। तो सौंफ हम मार्केट से लाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, सौंफ का जो पाउडर होता है और वो भी मिलावटी होता है, तो उससे अच्छा कि हम प्योर घर में बनाएं। हमने यहाँ पे आधा केजी अदरक तो लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये ड्राई अदरक होना जरूरी है, जैसे बहुत बार क्या होता है उनकी स्किन निकल जाती है, स्किन निकलती है और उनमें छोटे छोटे मच्छर भिनकते रहते हैं और वो एक दो दिन भी अगर हम बाहर रखेंगे ना तो वो काला पड़ जाएगा ऊपर। तो ऐसा हमें फ्रेश वाला लेना है, ये देखिए एकदम फ्रेश वाला ही अदरक हमें लेना है, इसी तरीके का एकदम चिकने स्किन का, और इसे बाहर भी पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4-8 दिन भी। ये इसी तरीके का अदरक हमने ले लिया है, ये आधा केजी है और इसे हम छील लेंगे। तो छीलने के लिए अगर हम चाकू के सहायता से इन्हें छीलेंगे तो ये इनके छिलके जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है एक चम्मच। चम्मच की सहायता से मैं आपको देखिए छिलके दिखाती हूँ, ये देखिए इनके जो पतली स्किन छिलका होता है ना वही उतरता है जो चम्मच से अगर हम उतारेंगे तो, और चाकू से भी अगर हम करेंगे, मैंने एक दिन चाकू से किया तो काफ़ी टाइम लगा, टाइम बहुत वेस्ट हो गया और इनके जो है स्किन पे बहुत ज़्यादा चली गई। तो हम प्रेफर, मैं आपको बताऊंगी कि आप कभी भी छीलते हैं तो आप चम्मच से ही छीलें, और जो चम्मच होती है ये पतली होती है, इनकी जो देखेंगे ये जो है ये पतला है, इसीलिए इससे अच्छा छिला रहा है। कोई भी काला दागीला आपको काम में नहीं लेना है, क्योंकि हम सोड जिंजर पाउडर बना रहे हैं तो ये हमें एक साल तक स्टोर करके रखना होता है। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें छीलकर तैयार कर लेना होगा सारा अदरक। ये देखिए सारे अदरक को हम इसी तरीके से छीलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चम्मच है ना ये पतली है तो इससे बहुत ही अच्छा छिला रहा है, ये ऐसी मोटी ये भी चम्मच होती है तो इनसे बहुत अच्छे से नहीं छिलाएगा। ये देखिए छिलाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप ट्राई करें कि आप जैसे पतली वाली चम्मच लें। और यहाँ पर एक ट्रिक है कि जल्दी छीलने के लिए ये जो जॉइंट होता है ना इससे आपको तोड़ लेना है। ये देखिए हमने जॉइंट को तोड़ लिया तो यहाँ पे गंदा या कुछ भी जमा हुआ जो है इनका छिलका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये बहुत ही अच्छे से छिला जाएगा। तो आप ऐसे ही छिलते रहें, पूरा अदरक हम ऐसे ही छील लेंगे। अदरक को हमने छील लिया है और देखिए इतनी अदरक से इतना सा कचरा निकला है क्योंकि हमने चम्मच से निकाला है इसे। तो इनको, ये जो अदरक है हमको इसे इस तरीके से काट लेना है, पतले पतले स्लाइसेस कर लेने हैं जैसे हम सलाद वगैरह बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये जो हमारा अदरक है ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। तो सारे अदरक के हम ऐसे पतले पतले चिप्स की तरह टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए हमने पतले पतले टुकड़े कर लिए हैं अदरक के, और इनको हम सुखाने के लिए रख देंगे। कड़ी धूप में रखेंगे तो 2 दिन लगेंगे और अगर हल्की धूप है तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के इनको सुखाकर तैयार करना है। तो हम इसे धूप में रख देते हैं। तो देखिए हमारा जो अदरक है ये सूख चुका है और बहुत ही अच्छे से सूख गया है। अदरक को हमें किस तरीके से देखना है कि ये सूखा है या नहीं, हम इसे तोड़ेंगे। देखिए कट से आवाज़ आ रही है। बहुत ही अच्छे से सूख चुका है अदरक जो है, इसी तरीके का सूखना है, सुखाना है। और यहाँ पे अदरक को हम मिक्सी के छोटे जार में डाल देंगे और इसे हम बारीक पाउडर सा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है, अदरक का जो पाउडर है एकदम बन गया है बारीक सा, और इसे हम इस तरीके के आटा छानने की छन्नी में छान लेंगे।
देखिए हमने ये बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, और अगर आपका ये ज़्यादा मोटा मोटा बच जाए तो वापस पीस लें, नहीं तो थोड़ा बहुत हो तो चाय की पत्ती में भी हम इसे डाल सकते हैं। तो हमारा ये जो पाउडर है ये तैयार हो गया है। इसी तरीके का हमें बारीक पेस्ट बनाना है, बारीक पाउडर बनाना है। तो फाइनली हमारा जिंजर पाउडर बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। और इसे ही बोला जाता है सौंठ, और ये मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलती है और इतनी फ्रेश भी नहीं होती है जितना हम घर पे बना लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है, इसमें से छींक आ जाएगी अगर आप घर में ही तैयार करेंगे इसे, इतनी ज़्यादा हार्ड है, ये तेज है। और अगर हम मार्केट से लाते हैं तो उतनी तेज नहीं होती है वो जो सौंठ होती है। तो आप इसी तरीके की प्योर और शुद्ध सौंठ घर में बनाकर तैयार करें। आप किसी भी ग्रेवी में डाल सकते हैं इसे टेस्ट के लिए, चाय में डाल सकते हैं आप, दूध में डाल सकते हैं भी ठंडी में, जैसे बच्चों के लिए आप दूध बनाते हैं, छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो गर्म दूध में आप मिला सकते हैं। और किसी के यहाँ छोटा बेबी हुआ है और उनकी जो मदर्स है उनको आप दे सकते हैं, हलवे वगैरह में, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में ये डालकर दे सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है ठंडी के समय में, आप हर घर में बनाएं। और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।